Good morning, friends. Now we are going to start with the 10th chapter of business studies, that is financial market. First, we try to understand financial system. किसी भी इकोनॉमी में दो सेक्टर्स होते हैं, बिजनेस फर्म्स यानी इन्वेस्टर जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में मनी इन्वेस्ट करते हैं, एंड द सेकेंड इज हाउस होल्ड मीन्स वी पीपल हु सेव आर सरप्लस मनी इन डिफरेंट ऑप्शंस. अब इकोनॉमी में दो मैकेनिज्म्स होते हैं, बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट. जो हाउस होल्ड्स और बिजनेस फर्म के बीच में लिंक है, इंटरमीडियरी है. फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम अबाउट बैंक्स. हाउस होल्ड्स अपनी सरप्लस मनी बैंक के पास डिफरेंट ऑप्शंस में डिपॉजिट करते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट मिलता है. अब बैंक्स के पास बिजनेस फर्म्स भी अप्रोच करती है जब उन्हें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लोन की ज़रूरत होती है. अब बैंक के पास जो मनी है, जो डिपॉजिट्स हैं, उसी में से बैंक बिजनेस फर्म्स को यह लोन देती है और बदले में उनसे इंटरेस्ट कलेक्ट करती है. बिजनेस फर्म फिर इस मनी को डिफरेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए इन्वेस्ट करते हैं. सो बैंक्स आर मोबिलाइजिंग मनी फ्रॉम हाउस होल्ड्स एंड द बिजनेस फर्म्स. मोबिलाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ मनी. दिस इज कॉल्ड द एलोकेशन ऑफ फंड्स, जहाँ पर बैंक हाउस होल्ड्स और बिजनेस फर्म्स को लिंक करती है और फंड्स का मोबिलाइजेशन करती है. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड द फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम अबाउट फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट उन सभी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क है जहां पर बिजनेस फर्म्स अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इश्यू करती है और उनका एक्सचेंज पॉसिबल होता है. अब मान लीजिए किसी बिजनेस फर्म ने अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इशू की है. इस फाइनेंशियल मार्केट से हाउस होल्ड्स ये सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हैं. सिक्योरिटीज परचेज करने के बदले में उन्हें डिविडेंड मिलता है, टाइमली कैपिटल गेन पॉसिबल होता है. यही मनी फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू अब बिजनेस फर्म्स के पास जाती है, जो इन पैसों को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करते हैं. नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स होल नेटवर्क ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स. A financial market is a market for the creation and exchange of financial assets. Financial market may individual investors, institutional investors, foreign investor, corporate houses, सभी short term, medium term, long term के लिए अपने funds invest करते हैं. अब यह financial assets क्या होती है? जो भी companies अपनी securities यानी shares, debentures, bonds create करती है, उसे financial asset, financial securities कहते हैं. So इस financial market में companies अपनी securities create कर सकती है, यानी issue कर सकती है, और उसका exchange यानी buying and selling possible होता है. अब इस financial market को चलाने के लिए depository, brokers, stock exchange से भी work करते हैं. Now we start with functions of financial market. The first function is mobilize money and channelizing them into most productive uses. Savers अपनी money financial market के through save करते हैं और यह money financial market के through ही business firms को investment के लिए दी जाती है, ताकि इस money का productive use हो सके, इससे income generate हो सके. So mobilization, transfer of money is the most important function of financial market. The second is facilitate price discovery. किसी भी product या service का price decide करने के लिए उसके demand और supply को compare किया जाता है. इसी तरह financial market में जो securities issue होती है, उसके prices में जो fluctuations होते हैं, वह भी demand और supply के basis पर ही होते हैं. तो यह कैलकुलेशन पार्ट भी फाइनेंशियल मार्केट में ही होता है. द थर्ड इज प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स. लिक्विडिटी मीन्स टू कन्वर्ट एनी एसेट इनटू कैश. तो आपके पास जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है, एसेट्स है, आप जब चाहे इसे सेल कर सकते हैं, इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस फैसिलिटी इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट.
The fourth is reduce the cost of transaction. यदि यह फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो बायर और सेवर को बहुत प्रॉब्लम होती कि उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते एक दूसरे को ढूंढने में, उनकी उनका टाइम, उनकी मनी भी इन्वेस्ट होती। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट के कारण बायर और सेलर इजीली डील कर सकते हैं, उनका कॉस्ट, टाइम, एफर्ट सभी सेव होते हैं। सो इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। नाउ वी लर्न क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कैन बी डिवाइडेड इंटू मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। कैपिटल मार्केट कैन बी डिवाइडेड इंटू प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल द कैपिटल मार्केट ऑल्सो। नाउ फर्स्ट वी लर्न अबाउट द मनी मार्केट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड्स, यानी जिन कंपनीज को, जिन इंस्टीट्यूशंस को यह फंड शॉर्ट पीरियड रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, वे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू करते हैं। नाउ द सेकंड इज डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स। यह मॉनेटरी एसेट्स, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। वी आर गोइंग टू लर्न दिस इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो इन डिटेल। Now these instruments are unsecured and there is less return given on these instruments. Then maturity period is up to 1 year. Short period होने के कारण इन instruments का maturity period यानी payment 1 साल के अंदर हो जाता है और इसीलिए इनका return भी कम होता है। There is no physical location. जैसे हर market के लिए एक physical location होता है, लेकिन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कोई भी फिजिकल लोकेशन नहीं होता। इनकी एक्टिविटीज टेलीफोन या इंटरनेट पर ही होती है। देन दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड बिकॉज ऑफ डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। आप जब चाहे अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे भी इन इंस्ट्रूमेंट्स का पीरियड 1 साल से कम का होता है। It is possible because ready market is available and given by Discount Finance House of India. Then these instruments are less risky क्योंकि इनका period short होता है और दूसरा financial soundness of issuer। इसे RBI, commercial banks, non-banking finance corporations, big corporate house means companies, mutual funds issue करते हैं। इनकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड होती है, इसलिए अनसिक्योर्ड होने के बाद भी यह इंस्ट्रूमेंट्स रिस्की नहीं होते। देन इन्वेस्टमेंट आउटलेट इज ह्यूज। अभी इन्वेस्टमेंट में कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट का इन्वेस्टमेंट प्राइस, यूनिट प्राइस बहुत ज्यादा होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मनी मार्केट। Now we learn instruments of money market. The first instrument is treasury bill, or you can say T-bill. It is an instrument of short-term borrowings issued by RBI on behalf of Government of India. इसका मतलब जब भी Government of India को short-term funds की requirement होती है, तो वे RBI के through treasury bills issue करते हैं. This is also known as zero coupon bonds. Issuing format is promissory note. जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उसी तरह प्रॉमिसरी नोट का भी फॉर्मेट होता है जिसमें प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दो पार्टीज होती है। सो ट्रेजरी बिल प्रॉमिसरी नोट के फॉर्मेट में होता है। इट इज हाईली लिक्विड मीन्स ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए होता है, इसलिए यह इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। Like the maturity period is 90 days, 3 months. Assured return, negligible risk due to RBI. अब इसमें RBI involved होती है, RBI की financial soundness बहुत अच्छी है, इसलिए इस पे जो return है वो assured है और risk नहीं है। The minimum amount is ₹25,000 and in multiples of it. यानि हर एक इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू 25,000 होती है। आप एक इंस्ट्रूमेंट परचेस करना चाहते हैं तो आपको 25,000 पे करना होगा,
टू इंस्ट्रूमेंट्स परचेस करना चाहते हैं तो 50,000 का पेमेंट होगा। इसी तरह यदि आप फोर इंस्ट्रूमेंट्स परचेस करना चाहते हैं तो 1,00,000 होगा। सो आप दूसरी फिगर्स में यह इंस्ट्रूमेंट परचेस नहीं कर पाएंगे, आपको 25,000 और उसके मल्टीपल्स में ही यह इंस्ट्रूमेंट परचेस करना होगा। नाउ द इशूइंग प्राइस इज लेस देन द फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्रॉमिसरी नोट के फॉर्मेट में इशू किया गया ट्रेजरी बिल परचेस करना है, एक इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू 25,000 है लेकिन इशू प्राइस लेस देन फेस वैल्यू है तो यह वैल्यू सपोज 23,000 है। सो आपको 25,000 की जगह 23,000 का पेमेंट करना है। रिडम्शन वैल्यू ऑन मैच्योरिटी फॉर एग्जाम्पल रुपीज 25,000 यानी 3 months के बाद सपोज इस इंस्ट्रूमेंट का जब रिडम्शन होगा रीपेमेंट होगा तो आपको इसकी वैल्यू फेस वैल्यू के जितनी मिलेगी यानी 25,000। यानी आपने इस 25,000 के इंस्ट्रूमेंट को परचेज किया है 23,000 रुपीज में और पेमेंट आपको मिलेगा 25,000 ही। सो द डिफरेंस ऑफ रुपीज 2,000 इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो आपको जो 2,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा डिफरेंस मिलेगा इसे कहते हैं डिस्काउंट। दिस 2,000 इज द अर्निंग ऑफ द बायर। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। हर मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट अनसिक्योर्ड होता है। कमर्शियल पेपर भी ट्रेजरी बिल के समान प्रोमिसरी नोट के फॉर्मेट में ही इशू होता है। इट इज़ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी हम इजीली एंडोर्समेंट के जरिए इसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिटवर्दी कंपनीज एज एन अल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग्स यानी बड़ी बड़ी कंपनीज बैंक से मनी बोरो करने की जगह कमर्शियल पेपर इशू करती है। द मैच्योरिटी पीरियड इज 15 days टू 1 year। यह शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है सो इसका मैच्योरिटी 15 days से 1 year के बीच में होता है। इट इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। ट्रेजरी बिल के समान ही कमर्शियल पेपर भी डिस्काउंट पर इशू होते हैं और इनका रिडम्शन फेस वैल्यू यानी पार पर होता है। इट इज फॉर शॉर्ट टर्म नीड ऑफ फंड्स लाइक सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल। जब भी इन कंपनीज को वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है या उनका जब पीक सीजन होता है तब फंड्स की जरूरत होती है तब यह लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू करती है। कमर्शियल पेपर इज यूज फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग। इट मीन्स टू अरेंज फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मान लीजिए किसी कंपनी को मीडियम एंड लॉन्ग पीरियड के लिए शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करने की जरूरत है तो शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करने के लिए कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है जैसे ब्रोकरेज, इशूइंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस, लिस्टिंग ऑफ शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट, रजिस्ट्रार्स फीस। इसे कहते हैं हम फ्लोटेशन कॉस्ट। अब सबसे पहले कंपनी को इस फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए मनी अरेंज करनी होती है तो कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करती है, इसे ही हम कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। सो वी से कमर्शियल पेपर इज यूज फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग। नाउ द थर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल मनी। कॉल मनी इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेएबल ऑन डिमांड हुज मैच्योरिटी पीरियड वेरीज फ्रॉम 1 day टू 15 days यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। कॉल मनी इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 banks है, पंजाब नेशनल बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हर बैंक को कुछ CRR कैश रिजर्व रेशो RBI के पास डिपॉजिट करना होता है और यह CRR रेट RBI ही डिसाइड करती है। मान लीजिए यह रेट डिसाइड हुआ और PNB के पास मनी की शॉर्टेज हुई, कैश की शॉर्टेज होने पर PNB ने SBI से मनी बोरो की। अब यह जो मनी बोरो की है यह शॉर्ट पीरियड के लिए है 1 to 15 days इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है इसलिए इसे हम कॉल मनी कहेंगे। अब जैसे ही SBI को फंड्स की जरूरत होगी SBI PNB को नोटिस देगा और नोटिस मिलते ही PNB को यह मनी रिटर्न करनी है। सो दिस मनी इज रीपेएबल ऑन डिमांड। इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस।
Call money is used by banks to maintain CRR with RBI. We have discussed this point. Interest rate on call money is called call rate. It varies frequently. अब PNB कुछ interest SBI को call money पर pay करेगी. इस interest को हम कहते हैं call rate और यह बहुत ज्यादा होता है. R to RB यह rate change हो सकता है. जैसे ही कॉल मनी की डिमांड इंक्रीज होगी तो कॉल रेट भी इंक्रीज हो जाएगा. इट इज ऑल्सो नोन एज इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इंस्ट्रूमेंट. नाउ द फोर्थ इंस्ट्रूमेंट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. इट इज एन अनसिक्योर्ड निगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन बेयरर फॉर्म. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अनसिक्योर्ड ही होते हैं. निगोशिएबल मीन्स इजीली ट्रांसफरेबल. शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर शॉर्ट पीरियड ओनली. एंड बेयरर फॉर्म मीन्स इट इज इजीली ट्रांसफरेबल. द नेम इज नॉट मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट. दीज सर्टिफिकेट्स आर इश्यूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस अगेंस्ट द डिपॉजिट्स केप्ट बाय कंपनी एंड इंस्टीट्यूशंस. इसका मतलब जब भी कमर्शियल बैंक्स को या फिर डेवलपमेंट बैंक्स को फंड्स की जरूरत होती है तो वे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कंपनीज या फिर इंस्टीट्यूशंस को इशू कर सकते हैं. इट कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशंस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी व्हेन डिपॉजिट्स विद बैंक इज लेस एंड द डिमांड फॉर लोन इज मोर. जब भी बैंक के पास लिक्विडिटी कम होती है यानी कैश का शॉर्टफॉल होता है डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कम होते हैं और लोन की डिमांड ज्यादा होती है ऐसे टाइट लिक्विडिटी पीरियड में कम यह बैंक्स इंडिविजुअल्स या कॉरपोरेशंस को भी अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकती है. इस तरह यह सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से ह्यूज अमाउंट शॉर्ट पीरियड के लिए रेज हो सकता है. नाउ द फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट इज कमर्शियल बिल. It is a bill of exchange used by business firms to finance their working capital requirement. Bill of exchange आपने 11th standard में भी पढ़ा है. यह bill of exchange business firms issue करती है ताकि वे working capital arrange कर पाए. It is short-term, negotiable, self-liquidating instrument which is used to finance the credit sale of firms. अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज करते हैं और अपना बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर भी रिकलेक्ट करते हैं. मान लीजिए मिस्टर ए ने 10,000 के गुड्स क्रेडिट पर मिस्टर बी को सेल किए हैं और यह क्रेडिट पीरियड है 3 months. यदि मिस्टर ए मिस्टर बी से कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं लेते कि सेल परचेस ट्रांजेक्शन हुआ है तो मिस्टर बी अनसिक्योर डेटर रहेंगे. लेकिन यदि मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है जिसे मिस्टर बी ने साइन किया है एक्सेप्ट किया है तो मिस्टर बी ए के लिए सिक्योर डेटर होंगे. नाउ आई हैव रिटन सेलर. मिस्टर ए इज सेलर. ही इज क्रेडिटर. क्रेडिटर रिसीव्स द मनी एंड ही इज गोइंग टू ड्रॉ द बिल ऑफ एक्सचेंज सो ही इज कॉल्ड ड्रॉ. अब मिस्टर बी ने गुड्स बाय किए हैं तो यह बायर है. He is going to pay money, so he is debtor, and he has accepted the bill of exchange, so he will be called drawing. So Mr. B is drawing for Mr. A. अब 3 months के बाद Mr. B, Mr. A को 10,000 rupees का payment करेंगे. यहाँ पर sale purchase transaction हुआ है, इसलिए इस bill of exchange को हम trade bill कहते हैं. On acceptance, a bill of exchange becomes a ट्रेड बिल. अब यह ट्रेड बिल मिस्टर ए के पास है. मिस्टर ए को यदि 3 महीने से पहले फंड्स की जरूरत है तो वह अपने बैंक के पास जाकर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करा सकते हैं. इसका मतलब मिस्टर ए अपना बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को देंगे. बैंक उसे एक्सेप्ट करेगी. उसके बदले में कुछ फंड्स मिस्टर ए को देंगी. यह अमाउंट 10,000 से कम होगा. जो डिफरेंस अमाउंट होगा वह डिस्काउंट होगा जो बैंक की इनकम होगी. अब 3 months तक यह बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास रहेगा
मैच्योरिटी पीरियड पर बैंक या फंड्स मिस्टर बी से कलेक्ट करेगी. सो दिस डिस्काउंटेड ट्रेड बिल इज कॉल्ड कमर्शियल बिल. व्हेन अ ट्रेड बिल इज एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक इट बिकम्स अ कमर्शियल बिल. ड्रॉअर कैन डिस्काउंट द बिल विद कमर्शियल बैंक बिफोर मैच्योरिटी. यह पॉइंट मैंने आपको एग्जाम्पल में कवर कर दिया. सो अ डिस्काउंटेड ट्रेड बिल इज कॉल्ड कमर्शियल बिल.